गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, क्या हाल चाल? मैम बस पेपर होने। हो गई तैयारी? ऑल डन? मैम थोड़े डाउट्स हैं। हाँ जी, इसी के लिए तो ये सेशन रखा है कि जो डाउट्स हैं वो आप क्लियर कर सको। इक्वी ज्वाइन और नेचुरल ज्वाइन में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है क्वेरीज में। इक्वी ज्वाइन और नेचुरल ज्वाइन में बता रही हूँ। सो फाइनली अभी कितने हुए हैं? 10, 16। अभी से 12 घंटे के बाद आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होंगे, है ना? पेपर सामने मिलने वाला होगा। 10:30 शुरू होता है ना? हाँ, 10:30। बाकी के पेपर जितने बजे शुरू होते हैं उतने बजे ही होगा ये वाला। 10-15 पेपर दे देते हैं। 10:15 पेपर दे देते हैं, मतलब आज से अभी से 12 घंटे के बाद पेपर आपके हाथ में होगा। और फिर आप क्वेश्चंस देख के सोच रहे होगे कि यार ये तो वही क्वेश्चन है जो कल रात को पूछा था, चलो अच्छा हुआ पूछ लिया आज आकर, है ना? सो जो भी है अपने पेपर को बिल्कुल काम माइंड से करना है। डोंट गेट पैनिक, डोंट गेट ओवर एक्साइटेड इफ यू सी दैट द आंसर्स और द क्वेश्चंस आर इजी। तो ना तो इजी देख के बहुत खुश होना है और ना ही डिफिकल्ट देख के पैनिक करना है। पेपर को अच्छे से पढ़ो एंड सॉल्व इट प्रॉपरली। तो जो लास्ट मिनट टिप्स हैं बेटा वो ये है कि ऑर्डर वाइज करना, जो भी सेक्शन उठा रहे हो, चाहे आप, आपके पास 5 सेक्शंस हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, डी, ई, विच एवर सेक्शन यू पिकअप, फिनिश दैट सेक्शन फर्स्ट। अगर आप सेक्शन ए उठा रहे हो तो सेक्शन ए पूरा खत्म करो, सेक्शन बी उठा रहे हो तो सेक्शन बी खत्म करो। सो वट एवर सेक्शन यू आर टेकिंग उसको पूरा करना है, और कोई भी क्वेश्चन आपको अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़ना है। डोंट लीव एनी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड। मेक श्योर कि आप सबका आंसर लिखो, जो भी आता है, जैसा भी आता है। वैसे तो AL कोडर्स को सब कुछ आना चाहिए, ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि ना आता हो, बट बाय चांस मान लेते हैं 1% कि कुछ ऐसा है जो आपको नहीं आता, तो भी यू विल नॉट लीव एनीथिंग अनअटेम्प्टेड। आई विल आंसर ऑल योर डाउट्स बेटा, जस्ट वन बाय वन। क्या कर सकते हैं हर्ष, पर कम व्यूज आ रहे हैं इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम पढ़ाएंगे नहीं, है ना? चाहे एक बच्चा पढ़ रहा है लेकिन अगर वो पढ़ रहा है तो दैट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं उसको वो प्रोवाइड करूं जो उसको चाहिए। सो डज नॉट मैटर कितने लोग देख रहे हैं, पर जो देख रहे हैं वो अच्छे से पढ़े और अच्छे से करें, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी। ये चल क्यों नहीं रहा? ओके, व्हाइट बोर्ड कह रहा है। राम राम मैम जी। राम राम जी, हो गई तैयारी? हाँ बस वही फिजिक्स पढ़ रहा फिजिक्स पढ़ रहा था? था। आओ। ये कैसा मजाक है, 1 अप्रैल के लिए नहीं, सच्ची मैं बोल ही रहा मिली हूँ। हूँ? यस पवन, ग्रुप मैम बाय एक ऑर्डर बाय दो सब डाउट बता थे रही हूँ मेरे बेटा, एक पास, सेकेंड। हाँ दो डाउट थे मेरे पास। हाँ एक मिनट मैं ये स्क्रीन खोलूँ फिर उसके बाद आपके डाउट्स लेते हैं। बोलो आप भेजे, हैव यू सेंड द डाउट्स? मैम भेजा नहीं, आपने बोला था ना एक, मतलब कि कल कल जब मैं कोड बना के भेजा था तो वो जो एक कोड था जिसमें आपने बोला था व्हाइल लूप लगाना, तो अगर ऐसे भी लगा रहा हूँ तब भी तो सही आ रहा है आंसर, मतलब किसमें, आउटपुट तो सही आ रहा है किस वाले लूप में कह रहे हो, मैम। जिसमें फॉर लगाया था आपने, सीएसवी वाले में? हाँ वही वही, हाँ आउटपुट तो तो सही आ मैं रहा है। वो फॉर, बट ऐसा तो आपने ऐसा क्यों बोला था? आपने सीएसवी वाला था या बाइनरी फाइल वाला था वो क्वेश्चन? आई थिंक सो, सीएसवी वाला था, नहीं स्टैक वाला था। स्टैक वाला था ना, तो स्टैक वाले में हाँ स्टैक इज एम्प्टी आपका हर बार प्रिंट हो रहा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली लूप खत्म ही तब होगा जब आपकी लेंथ फिनिश हो नहीं जाएगी, है ना? नहीं हर बार नहीं प्रिंट हो रहा था, मैं तो लास्ट में लिख गया था कि अगर हो गया हाँ तो एक वही, बार जब सारे प्रिंट एलिमेंट्स लगा। पॉप होके प्रिंट हो जाएंगे तो लास्ट में वो प्रिंट कर देगा स्टैक हाँ इज एम्प्टी। हाँ
हाँ तो कर सकते हो, उससे भी कर सकते हो, क्योंकि पर वो एक नॉर्मल स्टैंडर्ड होता है ना एग्जामिनर का भी चेक करने का, जो उनके पास आंसर की होती है, तो उसमें व्हाइल लूप से लिखा होता है, तो इट्स बेटर इफ यू डू इट विद व्हाइल, पर आप कर किसी से भी मैम सकते अभी हो, कोई फर्क नहीं। तो जस्ट उस पॉइंट ऑफ व्यू एग्जामिनर को से भी इतना तो सोचना चाहिए ना। वो तो ठीक है, पर हम जस्ट टू अवॉइड रिस्क ऐसे कर सकते हैं, बट आउटपुट आपका सेम आएगा। एंड मैम वो एक कनेक्टिविटी वाला क्वेश्चन था ना, उसमें फेच ऑल फेच मैनी का बता देना एक बार। ठीक है, मैं बता रही हूँ, 1 मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई विल बी बैक। ओके, सो फर्स्ट डाउट वी आर टेकिंग इज फेच वाला, जिन लोगों का भी ये डाउट है, सो जस्ट लिसन टू दिस प्रॉपरली। जब आप कनेक्टिविटी में, आईपी में आपको ये क्वेश्चन नहीं आएगा, सीएस वाले बच्चों को आ सकता है, नॉट फॉर आईपी, एंड दिस इज इन द कनेक्टिविटी थिंग, कि जब हम माई एसक्यूएल के साथ कनेक्ट करते हैं, राइट? आपने माई एसक्यूएल के साथ कनेक्ट किया, और अब आप क्या चाहते हो कि आप वहां से डेटा फेच करो, तो जो भी आपका कर्सर होगा, आपने यहाँ पर कनेक्शन डॉट कर्सर क्रिएट किया, और उसके बाद आपने कर्सर डॉट एग्जीक्यूट करके अपनी सिलेक्ट कमांड को एग्जीक्यूट करा दिया, ठीक है? अब हमारे पास तीन फंक्शंस होते हैं, एक होता है फेच ऑल, एक होता है फेच वन, और एक होता है फेच मेनी। अगर मैं यहां पर लिखती हूँ सी आर डॉट फेच ऑल, तो जो भी आपके सिलेक्ट कमांड ने डेटा फेच किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो जो भी डेटा फेच होकर आया है वो एज अ लिस्ट ऑफ टपल्स मेरे पास रिजल्ट में आ जाएगा। सो इट विल कम इन द रिजल्ट एज अ लिस्ट ऑफ टपल्स, मतलब आपके पास एक लिस्ट आएगी जिसमें फर्स्ट स्टूडेंट का रिकॉर्ड होगा एज अ टपल, फिर सेकेंड स्टूडेंट का रिकॉर्ड होगा, फिर थर्ड स्टूडेंट का, फिर आप उसमें लूप लगाकर उसमें से एक एक को ट्रेवर्स कर सकते हो। दिस इज फेच ऑल, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सारे के सारे फेच होके आ जाते हैं। अगर आप एक एक करके फेच करना चाहते हो, तो फेच वन हम करते हैं, पहली बार जब सी आर डॉट फेच वन एग्जीक्यूट होगा तो वो सिर्फ फर्स्ट स्टूडेंट को फेच करेगा, इफ आई एग्जीक्यूटेड अगेन तो वो सेकेंड वाले को फेच करेगा, इफ आई एग्जीक्यूट अगेन तो वो थर्ड वाले को फेच करेगा, सो इट विल फेच वन ऑफ देम वन बाय वन। फेच मेनी के ब्रैकेट्स में हम देते हैं हाउ मेनी रिकॉर्ड्स वी वॉन्ट टू फेच, अगर मैं यहाँ पे 5 पास कर रही हूँ तो वो एक बारी में 5 रिकॉर्ड्स फेच करेगा, अगर आप फेच मेनी में 2 पास कर रहे हो तो वो एक बारी में 2 रिकॉर्ड्स फेच करेगा। आपसे ये भी पूछ लेते हैं कि भाई इनका डेटा टाइप क्या होगा, सो ये आपका फेच ऑल जो आपको देगा वो लिस्ट ऑफ टपल्स देगा, फेच मेनी भी आपको लिस्ट ऑफ टपल्स देगा, लेकिन अगर आप फेच वन करते हो तो वो आपको सिर्फ एक टपल देता है, सो फेच वन गिव्स यू ओनली वन टपल, ठीक है? आयुष, इज इट क्लियर? यस मैम। सो दैट इज इट अबाउट दिस, और ये आपके डिफरेंसेस हो गए, ठीक है? एक डाउट मैं इधर मैम से लूंगी, एक डाउट मैं यूट्यूब से लूंगी, ठीक है? अभी नेक्स्ट समर्थ का डाउट है, चलिए गुड इवनिंग बेटा, नेटवर्किंग की केस स्टडी में प्रॉब्लम है, प्लीज टेल। बेटा आज सुबह हमने क्लास की है पूरी, जिसमें हमने केस स्टडी के बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं समर्थ, यू कैन वॉच दैट। अगर आपको स्पेसिफिकली किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हो, स्पेसिफिकली लाइक आपको अगर प्रॉब्लम है कि सर्वर कैसे डिसाइड होगा, तो सर्वर कैसे डिसाइड होता है, जहां पर सबसे ज्यादा कंप्यूटर्स हैं उस यूनिट में हमारा सर्वर होता है, राइट? उसके बाद हम अगर बात करते हैं कि भाई लेआउट क्या होगा, सो बाय डिफॉल्ट जहां पर आपने सर्वर रखा है उसको आप बाकी सबके साथ कनेक्ट कर दो, वो आपका बेस्ट लेआउट होता है। इकोनॉमिकल मैंने ड्रॉ करके बताया है, तो आप उसको देख सकते हो कि किस तरह से हमने इकोनॉमिकल को ड्रॉ किया है। सो केस स्टडी के बहुत सारे क्वेश्चन उसमें किए हुए हैं, जो आपकी वन शॉट एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन की प्लेलिस्ट है
उसके अंदर भी 10 केस स्टडी के क्वेश्चन अपलोडेड है, सो प्लीज वॉच दैट। अगर वो 10 क्वेश्चंस आप देख लेते हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कल की केस स्टडी में आपको कुछ भी गलत हो, वो 5 नंबर तो आपके श्योर शॉट हो जाएंगे। ठीक है, सार्थक इज आस्किंग रैंड इंट रैंडम फंक्शन में एग्जाम्पल। बेटा रैंडम फंक्शन रैंडम के अंदर होता है, वो जनरेट करता है एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो कि आपका लाइ करेगा 0 से 1 के बीच में। 1 कभी नहीं आता तो आपका मैक्सिमम 0.999 तक जा सकता है। तो 0 से लेके 0.99 तक एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जनरेट होगा विद द हेल्प ऑफ रैंडम फंक्शन। जो रैंड इंट है वो आपको इंटेजर देगा। आप 2 नंबर्स पास करोगे, लेट से आपने पास किया रैंड इंट 1.5, सो आपके पास सबसे छोटा नंबर जो है वो 1 आएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, बोथ साइड्स आर इंक्लूडेड। और जो रैंडम नंबर जनरेट होता है वो इंटेजर होता है, वो कभी भी पॉइंट्स में नहीं आता, राइट? दैट इज द पर्पस ऑफ रैंड इंट। इसके अलावा रैंड रेंज भी होता है, उसमें अपर लिमिट एक्सक्लूडेड होती है। वो बिल्कुल फॉर लूप के साथ जो रेंज यूज होता है उसी की तरह काम करता है, बट इट जस्ट जनरेट्स अ रैंडम नंबर एंड प्रोवाइड्स यू दैट। ठीक है, नाउ वन डाउट फ्रॉम हेयर। यस चेतना, गुड गुड इवनिंग मैम। इवनिंग। मैम आई हैव टू डाउट, वन इज राइट रो एंड राइट रोज एंड सेकंड इज डोमेन एंड एट्रीब्यूट। देखो सीएसवी फाइल्स में जब हम राइट करते हैं तो आपको एक राइटर बनाना पड़ता है पहले, है ना? दिस यू नो। तो आप क्या लिखते हो? सीएसवी डॉट राइटर। सीएसवी डॉट राइटर फाइल का नाम आपने दे दिया। अगेन आई एम क्लियरिफाइंग दिस कि ये सीएस का तरीका है सीएसवी फाइल से डील करने का, आईपी में हम ऐसे नहीं करते। सो सीडब्ल्यू इज इक्वल टू सीएसवी डॉट राइटर आपने क्रिएट किया। अब अगर आप एक सिंगल लिस्ट को राइट कर रहे हो, यू हैव अ सिंगल लिस्ट, तो आप राइट रो को यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक स्टूडेंट का डेटा है, मैंने लिया है स्टूडेंट का एडमिशन नंबर 1583, नेम है एबीसी और मार्क्स है 80। सो दिस इज हाउ मेनी स्टूडेंट्स? 1 स्टूडेंट। सो अगर आप एक स्टूडेंट को राइट कर रहे हो तो आप राइट रो की हेल्प से राइट कर सकते हो। बट अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसा है जिसमें मेरे पास एक से ज्यादा स्टूडेंट्स है इन द फॉर्म ऑफ नेस्टेड लिस्ट, मेरे पास ये एक स्टूडेंट का डेटा हो गया, फिर मेरे पास दूसरे स्टूडेंट का डेटा हो गया, फिर मेरे पास तीसरे स्टूडेंट का डेटा हो गया, आई हैव इट लाइक दिस, सो दिस इज अ नेस्टेड लिस्ट। सो अगर आपके पास नेस्टेड लिस्ट है और आप उसमें राइट कर रहे हो तो इट इज राइट रोज। सो सिंगल लिस्ट को राइट करने के लिए राइट रो होता है, मल्टीपल रोज को राइट करने के लिए राइट रोज होता है। मल्टीपल रोज आर इन द फॉर्म ऑफ अ नेस्टेड लिस्ट। इज दिस क्लियर? यस मैम, फिर क्या पूछा था? डोमेन ऑफ एन एट्रीब्यूट। यस मैम, देखो एट्रीब्यूट क्या होता है, ये एसक्यूएल का क्वेश्चन है तो एसक्यूएल आप सबको ही है, चाहे आपके पास सीएस हो या आईपी हो। एट्रीब्यूट क्या होता है? टेबल के अंदर जो कॉलम्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्टूडेंट टेबल बना रही हूँ तो मेरे पास रोल नंबर है, नेम है, मार्क्स है, क्लास है, ये सब एट्रीब्यूट्स है। अब एक एट्रीब्यूट में क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है उसे हम डोमेन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एट्रीब्यूट है एज, मतलब कॉलम का नाम है एज, तो मैं कह सकती हूँ कि स्टूडेंट की एज 1 से 23 ईयर्स तक हो सकती है, समथिंग लाइक दैट। 1 से नहीं सॉरी 3 से 23 ईयर्स तक हो सकती है। तो स्टूडेंट कैन बी ऑफ एज फ्रॉम 3 to 23, कोई भी डोमेन आप दे दो। अगर उसका नाम है तो हम कह सकते हैं कि उसका डोमेन है एनी पॉसिबल सेट ऑफ एल्फाबेट्स, तो एल्फाबेट्स का जो सेट है वो उसका नाम बन जाएगा, सो वो उसका डोमेन हो गया। सो डोमेन का मतलब है पॉसिबल सेट ऑफ वैल्यूज फॉर अ गिवन एट्रीब्यूट। सो डेफिनेशन हम इसकी ऐसे लिखेंगे, पॉसिबल सेट ऑफ वैल्यूज फॉर अ गिवन एट्रीब्यूट इज कॉल्ड डोमेन, एंड देन यू कैन गिव एन एग्जाम्पल। क्लियर यस मैम। मैम एक सेकेंड बेटा, आर्या का क्वेश्चन है हाउ टू डिलीट अ रो फ्रॉम अ टेबल इन माई एसक्यूएल। आपको टेबल में से रो डिलीट करनी है, कौन सी कमांड यूज होगी बताओ? हाउ टू डिलीट अ रो फ्रॉम अ टेबल इन माई एसक्यूएल बताइए। किसने बोला ये? आयुष। हाउ टू डिलीट अ रो इन माई एसक्यूएल, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे लॉन्ग में प्रोग्रामिंग के लिए? पारुल प्रोग्रामिंग वाली वीडियो देखो बेटा, कल बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं हमने, 3 घंटे की वीडियो है,
वी हैव सॉल्व ऑल टाइप ऑफ प्रोग्राम्स विच कैन कम फॉर फाइल हैंडलिंग फंक्शन स्टैक एंड कनेक्टिव वॉच दैट. अगर किसी स्पेसिफिक प्रोग्राम में डाउट है वो आप पूछ सकते हो यहाँ पे. ड्रॉप नहीं होगा, ट्रेंड्स इज करेक्ट, डिलीट होगा. यस ट्रेंड्स. और आईपीयू सीईटी का हम शुरू कर रहे हैं 4 अप्रैल से, देन वील टॉक अबाउट आईपीयू सीईटी ओनली. ठीक है, सो इसका आंसर होगा डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम वेयर कंडीशन. सो डिलीट कमांड यूज होती है टू डिलीट अ रो फ्रॉम अ टेबल. तो आपको अगर एक टेबल में से रो डिलीट करनी है तो वी विल बी यूजिंग डिलीट कमांड फॉर दैट. सो डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम, और अगर कंडीशन देनी है तो हम कंडीशन दे सकते हैं, नहीं तो वो सारी रोज को डिलीट कर देगा. ठीक है, वेरी गुड. इक्वी ज्वाइन होता है जब आप दो टेबल्स को लिंक करते हो ऑन द बेसिस ऑफ अ कॉमन कॉलम. ठीक है, सो आपके पास कॉमन दोनों टेबल्स के बीच में, और उसके बेसिस पे मैं दो टेबल्स को लिंक करना चाहती हूँ. सो आई यूज इक्वी ज्वाइन फॉर दैट. इसको इक्वी ज्वाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि हम दोनों कॉलम्स को इक्वल टू कंपेयर करते हैं, वेदर द टू कॉलम्स आर इक्वल और नॉट. सो आप ये चेक करते हो कि दोनों कॉलम सेम है या नहीं. कॉलम डिलीट करना हो तो ऑल्टर टेबल के साथ ड्रॉप यूज होगा. यस आर है. ठीक है, जब कॉलम हो गया ये बेटा पढ़ लिया आ रहे हैं बार बार क्यों. ठीक है, इक्वी जॉइन और नेचुरल जॉइन का रिजल्ट सेम होता है. ये जूम क्यों नहीं कनेक्ट हो रहा. पीयूष इट इज कनेक्टिंग, लेट्स सी. पता नहीं क्या हो गया इसे, थक गया ये. टू डिलीट अ रो फ्रॉम एन एसक्यूएल टेबल यू कैन यूज द डिलीट स्टेटमेंट अलोंग विद वेयर क्लॉज टू स्पेसिफाई द कंडीशन. वेरी गुड. ओके, लेट मी शेयर द स्क्रीन. कोई वेटिंग में तो नहीं है ना. ओके, सार्थक क्या कह रहा है. इंपोर्ट रैंडम साइज इज इक्वल टू ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. एन इज इक्वल टू रैंडम डॉट रैंडम इंट 1,3 आउट फॉर आई इन रेंज साइड्स प्रिंट आउट. मैम अगर इस क्लास के बाद कोई डाउट आया देन वेयर टू आस्क. टेलीग्राम पे चैट का ऑप्शन नहीं आ रहा था. एंड विल यू. हाँ, आई विल बी एक्टिव ऑन द ऐप चैट. ठीक है, ओके. हाँ जी, यहाँ पे कौन था. दिव्यांश, यू वर आस्किंग अ डाउट. नो अभिषेक. यस बोलो. मैम मैंने आपको व्हाट्सएप पे रखा है, दो डाउट थे. एक सेकेंड रुकिए. ये वाला मैम. हाँ, इसमें एक जूम कर दीजिए थोड़ा सा. ये तो मैंने अभी एक्सप्लेन तो किया था जब हमने सीरीज वाला वन शॉट किया. मैम दोबारा बता दीजिए, मैं ये कैसे हो देखो पा रहा है. आप 2 × 3,10 कर रहे हो. 3,10 क्या चीज है. यस सृष्टि, रिवर्स भी फंक्शन होता है पाइथन में. हाँ जी, 3,10 क्या चीज है. इट्स अ टपल डेटा. यस मैम. 3,10 टपल है. टपल को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या होगा. एप्लीकेशन रेप्लीकेशन. सो ये 3,10 का क्या बन जाएगा. 3,10 3,10 है ना. सो जो आपके पास ये टपल है इसका क्या बन जाएगा. 3,10 3,10. सो आपकी टपल यहाँ पर रेप्लीकेट हो जाएगी. सो 3,10 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इट विल बिकम 3,10 3,10. फिर हम क्या कर रहे हैं, उसको डेटा में असाइन कर रहे हैं जिसकी सीरीज क्रिएट हो रही है. सो आपने उसको डेटा में असाइन किया तो सीरीज में 4 एलिमेंट्स आएंगे. दैट विल बी 3,10 3,10. इंडेक्स होगा 0 1 2 3. सारी वैल्यूज इंटीजर हैं इसलिए डी टाइप आएगा इन 64. दैट विल बी योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. मैम अगर अगर सर्कुलर ब्रैकेट की जगह मैम अगर स्क्वायर सर्कुलर तो भी ब्रैकेट यही की जगह आंसर यहाँ पे स्क्वायर होता तो क्या होता.
स्क्वायर ब्रैकेट होता स्क्वायर ब्रैकेट होता तो भी सेम आता, तो क्योंकि यही तब वो आंसर लिस्ट आता। हो जाता। हाँ तब भी यही आंसर आएगा, क्योंकि वो लिस्ट हो जाएगी और लिस्ट को भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो लिस्ट भी रेप्लीकेट ही होती है। सो योर लिस्ट इज ऑल्सो रेप्लीकेटेड, तो उसका आंसर जो है आपका वो भी अच्छा सेम आएगा। ऐसा कुछ हो सकता है क्या, कुछ सिचुएशन अगर सीरीज है एंड अगर हम उसको 2 × 2 कर रहे हैं, तो क्या उसमें वो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएंगी या फिर वो फिर से रेप्लिकेट होंगी? मल्टीप्लाई हो जाएंगी। जैसे अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता कि आपके पास सीरीज में लिखा होता डेटा इज इक्वल टू 3,10, ठीक है, ये लिखा होता S1 इज इक्वल टू PD.Series और फिर डेटा इज इक्वल टू 3,10, तो आपकी सीरीज बनती 2 एलिमेंट्स में 3 और 10, और फिर वो प्रिंट कर रहा होता S1 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो अगर वो प्रिंट कर रहा होता S1 मल्टीप्लाइड बाय 2 तो आपका आंसर आता 0 पोजिशन पे 6 और 1 पोजिशन पे 20, क्योंकि अब आप सीरीज को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। जब आप सीरीज को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपके सिंगल वैल्यूज को 2 से मल्टीप्लाई करेगा। तो मैम प्रिंट होने के पहले वो सीरीज नहीं है। नहीं तो क्योंकि आप जब डेटा में आपने असाइन ही नहीं किया, डेटा में तो यहाँ असाइन हो रहा है ना, असाइन होने से पहले 2 × 3,10 हो रहा है, तो जब आप 2 × 3,10 परफॉर्म कर रहे हो उस टाइम पे 3,10 जो है वो आपका टफल है। आर यू गेटिंग इट? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। यस ठीक है, सो वो टपल है उस टाइम पे, सो 2 × टपल करेंगे तो टपल रेप्लीकेट होगी, उसके बाद वो डेटा में असाइन हो रहा है, तो डेटा में ये चीज ओके असाइन हो रही है। सिंस डेटा में ये असाइन हो रही है, दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग 4 एलिमेंट्स इन योर टपल, दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग सीरीज में भी 4 एलिमेंट्स। थैंक यू आईपी मैम। के लिए एंड मैम रिवर्स फंक्शन नहीं है अनदर बेटा, थिंग सॉरी। मैम, ये दूसरा वाला एक मैंने आपको भेजा है उसके बाद। प्लीज एक टाइम पे एक बोलो। लेट अभिषेक मैम फिनिश हिज डाउट्स देन इंक्लूजन रेज योर हैंड। हाँ जी अभिषेक, हम एक और डाउट के नीचे। मैं देख रही हूँ सार्थक, एल शिफ्ट वाला क्वेश्चन बेटा, कल वाली प्रोग्रामिंग क्लास ओपन करो, उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, शुरू शुरू में ही है, कल जो क्लास थी उसके अंदर ये भी कराया था मैंने। आप मतलब वीडियोस देखते नहीं हो क्या? ये अभी तो कराया था कल क्वेश्चन, वीडियोस यस मैम कराया था, ये वाला फिर सेकंड भी वाला अच्छा, में करने मेरे के को थोड़ा बाद सा डाउट डाउट आ है रहा है, फिर मैंने तो ठीक, देखी भी थी ये। बिना करे डाउट है तो प्रॉब्लम है, हाँ करने करने के की बाद बात ही आ डाउट रही है है, तो हम फिर ठीक है। अभी देखो इसमें लाइव क्या है, सेशन में ही चल रहा था ये क्वेश्चन। हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स टू गेट द गिवन आउटपुट, ठीक है। ये डेटा फ्रेम है आपके पास, F1, F2, F3 कॉलम्स हैं, D1, D2, D3, D4 आपकी रोज है। अब वो कह रहा है कि मुझे रिजल्ट में क्या चाहिए, F1, F3, D1, D3, कैन यू फाइंड एनी रिलेशन इन दिस? देखो रिलेशन ना भी दिखे तो आपको मैम नाम तो पता इसमें चल ही स्लाइसेस रहे हैं ना। होगा मेरे को ये बताओ लॉक में पहले क्या आता है, पहले रोज आती है या पहले कॉलम्स रोज। आते हैं? रोज हाँ आते हैं, तो पहले रोज इसमें आते। रोज आपको देखनी है D1 और D3, तो दो तरीके हैं कि D1 और D3 दो रोज हैं, तो आई विल गिव इट एज अ लिस्ट। मैंने यहाँ पे कहा कि मुझे D1 भी देखना है, D3 भी देखना है, तो आई पुट अ स्क्वायर ब्रैकेट हियर, देन आई पुट अनदर स्क्वायर ब्रैकेट इन दिस टू गिव अ लिस्ट। ये स्क्वायर ब्रैकेट लॉक की है, ये स्क्वायर ब्रैकेट इसलिए है क्योंकि लिस्ट ऑफ रोज है, फिर कॉमा लिस्ट ऑफ कॉलम्स है, लाइक दिस। सो डेटा F1.log, आई गिव लिस्ट ऑफ रोज लिस्ट ऑफ कॉलम्स लाइक दिस, तो इससे आपके पास D1, D3, F1, F3 आ जाएगा। एक मेथड ये है, ये मेथड समझ में आया? ये यस मैम मेथड समझ में आया? इधर भी सबको समझ में आया, ठीक है। यस मैम दूसरा क्या है कि आप ये भी देख सकते हो कि इसमें स्लाइसिंग अगर मैं यूज करूं, स्लाइसिंग के केस में मुझे यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट दोबारा यूज नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि स्लाइसिंग में स्क्वायर ब्रैकेट नहीं होती है, तो आप यहाँ पर लिख सकते थे D1 D3 कोलन 2, दिस विल ऑल्सो गिव यू द सेम थिंग। तो यहाँ पर आप D1 से D3 तक ले रहे हो लेकिन 2 के गैप पे, सो ऑटोमेटिकली D1 के बाद D3 ही आएगा, ऐसे ही ऑटोमेटिकली F1 के बाद F3 ही आएगा, राइट? सो वी आर गिविंग अ गैप ऑफ 2,
सो आप ऐसे भी लिख सकते हो, अपर लिमिट इंक्लूडेड होती है स्लाइसिंग में जब हमारे लेबल्ड इंडेक्स होते हैं. सो लेबल्ड इंडेक्स के केस में अपर लिमिट इज इंक्लूडेड. सो दोनों में से कोई भी मेथड आप लिख सकते हो, या तो ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो. समर्थ जस्ट वेट, आई विल आंसर योर क्वेश्चन आफ्टर एक्सप्लेनिंग दिस. ठीक है, अब नेक्स्ट है आपके पास F3 F2 D4 D3. इसमें क्या है, एक तरीका तो लिस्ट वाला ही है, वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि पहले स्क्वायर ब्रैकेट आई तो मुझे कौन सी रो देखनी है, D4 देखनी है और D3 देखनी है. कॉलम कौन सा देखना है, F3 और F2 देखना F2. है. ठीक है, सो D4 D3 F3 F2 आई हैव टू सी दिस. तो डेटा F1 डॉट लॉग D4 D3 F3 F2 आई हैव टू सी दिस, तो ये मेरे पास आ जाएगा. ठीक है, या इसको भी मैं रिवर्स में ले सकती हूँ, D4 D3 स्लाइस करूं अगर तो -1 दे दूंगी, F3 कोलन F2 -1 दे दूंगी, पर वो ज्यादा लंबा पड़ेगा. तो ये ही आपका बेस्ट है कि आप उसे एज अ लिस्ट पिक कर लो. इज दैट क्लियर? मैम तो वो एक आपको माइनस जब वन अभी भी, आपने बताया. वही तो बता रही हूँ कि इसमें आप ऐसे भी लिख सकते थे, D4 कोलन D3 कोलन -1. तो आपको ऊपर वाला ज्यादा सिंपल नहीं लग रहा है, पर ऑप्शन आपके पास दोनों है. आप ऐसे भी लिख सकते हो एज वेल एज ऐसे भी लिख सकते हो, आंसर आपके पास दोनों केस में सेम ही आए. इज इट क्लियर? यस सर. ओके, नेक्स्ट हमारे पास समर्थ पूछ रहा है, मैम आइटर रोज एंड आइटर आइटम्स इंपॉर्टेंट है टॉपिक एंड हमने ट्रांसमिशन मीडिया जैसे कि विच केबल टू बी यूज इन द गिवन नेटवर्क. यस बेटा, विच केबल टू बी यूज इन द गिवन नेटवर्क इज इम्पॉर्टेंट. ठीक है, सो यू मस्ट डू दैट. उसमें आपके पास क्या होता है कि अगर आपसे पूछा जाता है वेरी फास्ट और एफिशिएंट केबल चाहिए तो कौन सी होगी बताओ, वेरी फास्ट एंड एफिशिएंट केबल कौन सी होती है? ऑप्टिकल ऑप्टिकल वायर ऑप्टिकल ऑप्टिकल फाइबर. अगर आपको इकोनॉमिकल पूछेंगे तो वायर. कॉपर वायर या फिर एथरनेट केबल. ओके ठीक है, वेरी फास्ट वायरलेस मीडिया पूछेंगे तो सैटेलाइट, और इकोनॉमिकल पूछेंगे तो रेडियो वेव या फिर माइक्रोवेव. ठीक है, गुड इवनिंग संजोग. सो ये आपका, मैम हाँ जी कौन है ये? मैम इक्वी ज्वाइन एंड नेचुरल ज्वाइन प्लीज. इक्वी ज्वाइन आपका अभी तो हमने शाम वाली क्लास में किया बेटा, आपने नहीं अटेंड किया एसक्यूएल वाली क्लास. मैम की थी, कंफ्यूजन हो रहा था थोड़ा सा. देखो इक्वी ज्वाइन क्या होता है, जब आप दो टेबल्स को आपस में लिंक करते हो ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कॉलम्स. आपके पास दो कॉलम्स हैं जो कि उसमें सेम है, जिसके बेसिस पे मैं लिंकिंग कर रही हूँ. ठीक है, सो आपके पास दो टेबल्स हैं. मान लो आई हैव वन टेबल नेम्ड एम्प्लॉय, जिसके अंदर मेरे पास एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय का नाम है, उसकी सैलरी है, और ये है कि वो किस डिपार्टमेंट में काम करता है. आई हैव अनदर टेबल कॉल्ड डिपार्टमेंट. सो डिपार्टमेंट टेबल है, उसके अंदर डिपार्टमेंट नंबर है, डिपार्टमेंट का नाम है. सो एम्प्लॉय आईडी है 105, नेम है ABC, सैलरी है 50,000, डिपार्टमेंट है 10. ऐसे ही ये है 108 PQR 20,000, डिपार्टमेंट है 20. तो अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि बताओ ABC कौन से डिपार्टमेंट में जॉब करता है, तो आप कैसे पता लगाओगे बताओ बताओ? क्या पूछा आपने? क्या आई एट से एट से करेंगे ना. हाँ मैं बता डिपार्टमेंट सकती नंबर हूँ मैच क्या करेंगे ना. वो अगर कौन से आपको टेबल. देखना है ABC कौन से डिपार्टमेंट में है, तो इसके डिपार्टमेंट नंबर को इसके डिपार्टमेंट नंबर से मैच करोगे. तो ABC वर्क्स इन अकाउंट्स. PQR देखना है कौन से डिपार्टमेंट में है, तो 20 मैचेस विद दिस, तो वो मार्केटिंग में है. LMN इज इन 10. तो अब इसको लिखने के लिए मुझे ये डेटा अगर चाहिए तो हम क्या करें, हम क्वेरी लिखेंगे सिलेक्ट नेम ऑफ द एम्प्लॉय कॉमा डिपार्टमेंट नेम ऑफ द एम्प्लॉय फ्रॉम एम
कॉमा डिपार्टमेंट। अब आपको यहां पर ये बताना जरूरी है कि दोनों टेबल्स का लिंक कैसे हो रहा है। तो मैंने कहा कि जहां पर एम्प्लॉय टेबल में डिपार्टमेंट नंबर फील्ड डिपार्टमेंट टेबल के डिपार्टमेंट नंबर फील्ड के सेम हो। अगर मैं ये कंडीशन नहीं दूंगी तो क्या मेरे दोनों टेबल आपस में लिंक हो पाएंगे? बताइए, ये कंडीशन नहीं देंगे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा ना। ईच रो ऑफ दिस टेबल विल बी लिंक्ड विद ईच रो ऑफ दिस टेबल। इसमें 3 रोज हैं, इसमें 2 रोज हैं। अगर आप ये कंडीशन नहीं देते हो, आपके पास 6 रोज आंसर में आएंगे। एबीसी के साथ अकाउंट्स भी आएगा, एबीसी के साथ मार्केटिंग भी आएगा, देन पीक्यूआर के साथ अकाउंट्स भी आएगा एंड पीक्यूआर के साथ मार्केटिंग भी आएगा, एलएमएन के साथ अकाउंट्स भी आएगा, एलएमएन के साथ मार्केटिंग भी आएगा। सो वी विल गेट इट लाइक दिस। ठीक है, तो ये क्या है? दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। दैट मींस ईच एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट टेबल इज लिंक्ड विद ईच एलिमेंट ऑफ द सेकंड टेबल। बट मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए एबीसी सिर्फ अकाउंट्स के साथ लिंक हो। मुझे आंसर में चाहिए एबीसी ओनली विद अकाउंट्स, पीक्यूआर ओनली विद मार्केटिंग, एलिमेंट ओनली विद अकाउंट्स। आई वॉन्ट इट लाइक दैट। ठीक है, तो मैं अगर इसको इस तरह से चाहती हूं तो मैंने ये ज्वाइन वाली कंडीशन दी जो कि किस पे बेस्ड है? इक्वल टू पे। दैट्स व्हाई दिस ज्वाइन इज कॉल्ड इक्वी ज्वाइन। हाँ, ज्वाइन वाली कंडीशन हमेशा सेम रहती है, जो कॉलम होगा उसके ऊपर बेस्ड आप ये कंडीशन लगाओ। समर्थ, आज सुबह वाली नेटवर्किंग की वीडियो देखो, आई हैव एक्सप्लेन ऑल कॉम्बिनेशंस इन दैट, प्लीज वॉच दैट इन डिटेल। सो दिस इज इक्वी ज्वाइन। ये सेम रिजल्ट जो आपके पास आ रहा है 3 रोज वाला, ये इसके इजी तरीके से भी निकाला जा सकता है। वी हैव एन इजियर वे टू गेट इट, एंड वो इजियर वे टू गेट इट क्या है हमारे पास? इजियर वे टू गेट है कि आप यहां पर लिख दो सिलेक्ट नेम कॉमा डी नेम फ्रॉम सिलेक्ट नेम कॉमा डी नेम फ्रॉम एम्प नेचुरल ज्वाइन डिपार्टमेंट। आपको कोई ज्वाइन की कंडीशन नहीं लिखनी है, आपको सिर्फ कीवर्ड यूज करना है नेचुरल ज्वाइन। सो आप लिख दोगे फ्रॉम एम नेचुरल ज्वाइन डिपार्टमेंट। ठीक है, सो जब आप एम्प नेचुरल ज्वाइन डिपार्टमेंट लिखोगे, नहीं मतलब कंडीशन लगा सकते हो परिणिता, जैसे मैं बोलूं कि अब आपको नेम और डिपार्टमेंट नेम देखना है उन्हीं इंप्लॉयज का जिनकी सैलरी 25,000 से ज्यादा हो, तो आपको ज्वाइन के लिए कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है, पर आप ये लिख सकते हो सिलेक्ट नेम कॉमा डी नेम फ्रॉम एम नेचुरल ज्वाइन डिपार्टमेंट वेयर सैलरी ग्रेटर देन 25,000। तो कोई एक्स्ट्रा कंडीशन है तो वो हम साथ में दे सकते हैं। आपके सारे मैराथन के क्वेश्चंस कर लिए, वो आपके वन शॉट वीडियोस अगर देख लोगे तो बहुत अच्छी बात है, पर वैसे अब टाइम आपके पास बचा नहीं है, तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस अगर आपने कर लिए हैं जितने बेटर है। अब जिस टॉपिक में प्रॉब्लम है उस टॉपिक के प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं कह रही हूं, यस श्रेष्ठ, मैं कैन यू क्लेरिफाई माय डाउट्स आल्सो, मैम आई विल सेंड यू ऑन व्हाट्सएप, जस्ट अ सेकंड। ये वाला है ना आपका, तो ये आप क्या पूछ रहे थे? बस टोपोलॉजी ओवर स्टार, हेयर स्टार टोपोलॉजी शुडंट एग्जिस्ट इंस्टेड ऑफ बस एज सर्वर इज प्रेजेंट। देखो सर्वर तो हमेशा होता है, बट इफ यू कनेक्ट ऑल दी अदर डिवाइसेस डायरेक्टली टू द सर्वर तो वो स्टार टोपोलॉजी होती है, बट इफ आई एम कनेक्टिंग ऑल लाइन देन इट इज अ बस टोपोलॉजी।
बस टोपोलॉजी आप सिर्फ प्रेफर तब करते हो स्टार टोपोलॉजी के ओवर जब हमारे पास जो डेटा है, ये जूम को क्या हो रहा है, बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। ओके बेटा नर्वस फील मत करो, बी कॉन्फिडेंट, आपने अच्छे से पढ़ा है, पेपर भी आप अच्छे से करोगे, सो डोंट फील नर्वस। स्ट्रेस तो मुझे भी हो रहा है वो। श्रेष्ठ, क्वेश्चन नंबर 22, यस मैम, राइट दी मैम आई आउट। वांटेड टू आस्क हाँ मैम, हियर एज वी कैन सी इन द सॉल्यूशन मैम, हियर दे हैव इन द कोडिंग दे हैव यूज्ड रैंडम इंडाइसेस, बट व्हेन वी गेट द सॉल्यूशन द इंडाइसेस आर लेबल्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर मैम, दिस केस इज ऑलवेज देयर और कैन वी ऑल्टर दिस अल्फाबेटिकल ऑर्डर आल्सो? नो नो, यू कैन राइट इन एनी ऑर्डर, दैट डज नॉट मैटर। मीन्स मैम इट्स नॉट नेसेसरी दैट इट विल द आउटपुट विल ऑलवेज फॉलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर? नो, इट विल नॉट फॉलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑलवेज, इट्स नॉट नेसेसरी, बट जस्ट टू फॉलो द कन्वेंशन यू कैन राइट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, बट इवन इफ यू डोंट राइट इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज रॉन्ग। तो वो उसको गलत नहीं ले सकते वो, क्योंकि हमने सॉर्ट करके यस शो मैम, नहीं किया है, तो योर आंसर इज कंसिडर्ड टू बी करेक्ट, बट ऑल द इंडिसेस मस्ट बी देयर। यस मैम, ठीक है, दैट्स ग्रेट संजोग, सो मैम डोंट वरी, यू आर गोइंग टू डू वेल टुमारो। आयुष की सेटिंग, क्या सेटिंग मैम करी आयुष आपने? ये 23rd भी है सब, मैम एक सेकेंड, 23rd भी है श्रेष्ठ? मैम मैम लेट श्रेष्ठ फिनिश फर्स्ट, देन आई विल टेक अनदर डाउट। ठीक है, इज 23rd क्वेश्चन आल्सो देयर श्रेष्ठ? आर यू एबल टू कनेक्ट? हेलो श्रेष्ठ, आर यू देयर? इसमें आपके पास सर्वर कहाँ पे होगा? ट्रेनिंग कंपाउंड में। ठीक है, देखो जिसको नेटवर्किंग वाले क्वेश्चन में सी दिस, अभी बताती हूँ ग्लोबल वेरिएबल वाला, जस्ट वेट। सो यहाँ पर आपके पास, फिर गया हो, यहाँ पे आपके पास सर्वर विल बी इन ट्रेनिंग कंपाउंड, क्योंकि वहां पे 150 कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, और आपको लेआउट बताना होगा, अगर आपको बोला है इफिशियंट लेआउट तो आप ट्रेनिंग कंपाउंड को कनेक्ट कर सकते हो बाकी के तीनों कंपाउंड्स के साथ। सो दैट विल बी योर टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी। अगर आपको इकोनॉमिकल ढूंढना है, हाँ, बट मेरा यहाँ पे जूम डिस्कनेक्ट हो गया बेटा। सो अगर आपको यहाँ पर इकोनॉमिकल ढूंढना है तो आप लीस्ट डिस्टेंस से शुरू करेंगे, सबसे पहले रिसोर्स कंपाउंड को ट्रेनिंग कंपाउंड से कनेक्ट करेंगे, फिर मेन को फाइनेंस से, और उसके बाद 100 मीटर वाला कौन सा है? ट्रेनिंग को फाइनेंस से। That will link all of those. Important difference और definitions की PDF मैंने Telegram पे भी शेयर की थी। Differences वाले में बहुत सारे differences हैं और definitions आपको सिर्फ computer networks में से आती हैं, so I have shared those. DB2 क्या है? DB2 is database two. It's a software. So DB2 is a software which helps you to कनेक्ट। श्रेष्ठ को बोलो अगर आप कनेक्टेड हो कि यहां पर आके आंसर्स देख ले अपने। सबका हैंड रेज है, आज सबको डाउट्स आ रहे हैं। माय एसक्यूएल में लिखा है सिलेक्ट ट्रंकेट 200.91,1। कैन यू राइट द आंसर इन द चैट? 200.91,1, वॉट विल बी दी वैल्यू? मैंने ट्रंकेट बताया है आपको, वैसे सिलेबस में अब सिर्फ राउंड है, पर ट्रंकेट थोड़ा सुस्त किस्म का राउंड होता है, आलसी राउंड, ये प्लस वन वाला कंसेप्ट नहीं करता। सो 200.91 को हम ट्रंकेट कर रहे हैं अप टू वन डेसिमल प्लेसेस, सो 200 के बाद वो एक ही डिजिट लेगा जो होगा 9।
सो इसका आउटपुट आएगा 200.9, 200.9 विल बी द आंसर फॉर दिस. फिर है सिलेक्ट लेफ्ट स्वाति कॉमा फोर. मैम दिस इज क्लियर, आई हैड डाउट इन थर्ड पार्ट. 65 जो है वो स्काई वैल्यू होती है आपके कैपिटल ए की, राइट? 65 इज कैपिटल ए इज स्काई वैल्यू. तो ये क्या कर रहा है, कैर फंक्शन. इसके ब्रैकेट में स्काई वैल्यूज गिवन है एंड वी हैव टू राइट द रिस्पेक्टिव कैरेक्टर्स फॉर दैट. तो अब आप यहाँ पे काउंट करोगे कि 83 पे क्या आएगा. सो 90 पे जेड होता है, 65 टू 90 आपका ए टू जेड होता है. सो 90 पे जेड होता है तो आप देखो 83 पे क्या आएगा. इसके लिए आपको नोट मतलब साइड पे कहीं लिखना पड़ेगा ए बी सी डी करके. तो यू हैव टू सी कि ए पे क्या है, बी पे क्या है एंड लाइक दैट यू हैव टू फाइंड आउट द पोजीशन. सो आई नीड टू चेक कि 65 पे ए है तो 66 पे बी होगा. सो वो आप अपना रफ में कर सकते हो और वहां से आपको इसको निकालना होगा अपनी वैल्यूज. तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये स्काई वैल्यूज होती है कैपिटल लेटर्स की, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम ए बी सी डी आई जे एंड ऑल. सो वी हैव इट लाइक दिस और इसमें से आप अपने कैरेक्टर्स लेके अपनी वैल्यू बना सकते हो, ठीक है. वैसे तो कैर हमारे सिलेबस में अब है नहीं तो आने के चांसेस कम है, बट दिस इज हाउ यू कैन डू इट. और स्मॉल लेटर्स की स्काई वैल्यू 97 से 122 के बीच में. सो स्मॉल लेटर्स आर बिटवीन 97 टू 122, कैपिटल लेटर्स आर बिटवीन 65 टू 90. मैम मैं ऑडिबल? यस सर. श्रेष्ठ, यू गेट दिस आंसर? यस मैम, जस्ट द नेटवर्क इज बिकमिंग हाईली अनस्टेबल इन बिटवीन मैम. हाँ, जूम इज डिस्कनेक्टिंग अगेन एंड अगेन, आई डोंट नो व्हाई. मैम सो कैर ओनली कन्वर्ट्स द असाइंड दीज द करस्पोंडिंग नंबर्स इनटू देयर करस्पोंडिंग अल्फाबेट्स. यस, एंड इट स्टार्ट्स, कैपिटल लेटर स्टार्ट्स फ्रॉम 65, स्मॉल लेटर स्टार्ट्स फ्रॉम 97. यस ठीक है. मैम बिफोर द पेज बिफोर दिस वन, इन दैट आई हैड डाउट इन क्वेश्चन 28 मैम. कंसीडर द फॉलोइंग डेटा फ्रेम जिसमें कलर क्वांटिटी प्राइस दिया हुआ है. ओके, फाइंड ऑल द रोज विद द लेबल चिली, एक्सट्रैक्ट ऑल द कॉलम्स. सो आप क्या करोगे, डेटा फ्रेम का नाम क्या दिया हुआ है, डीएफएन. सो आई कैन राइट dfn.lock, ठीक है. सो dfn.lock पहले रो वाली जगह पे क्या आ जाएगा, चिली, दैट्स इट. कॉमा कोलन लिखने की भी जरूरत नहीं है, आई जस्ट नीड टू गिव द रो नेम एंड इट विल गिव मी ऑल द कॉलम्स. सो व्हाट शुड आई राइट ओवर हियर इज आई शुड राइट dfn.lock एंड स्क्वायर ब्रैकेट में पहले रो आती है, सो आई विल राइट चिली. आप लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, बट इस कोलन की भी जरूरत नहीं है. अगर मैं सिर्फ रो लिख के भी छोड़ दूंगी देन ऑल्सो इट विल शो ऑल द कॉलम्स फॉर दिस रो. But you can write dfn.lock, row label, comma, colon. That means all the columns for that particular row will be shown. Yeah. Then it is list second, third and fourth row. Second, third and fourth row मतलब capsicum से लेकर chili तक आपको दिखाना है. तो आप इसमें I lock भी use कर सकते हो, lock भी use कर सकते हो. If I want to show second, third and fourth, so I can write 1:4. अगर मैं I lock use कर रही हूँ, इसमें फोर इंडेक्स जो है वो एक्सक्लूडेड होगा, तो वो क्या शो करेगा, इंडेक्स वन, इंडेक्स टू, इंडेक्स थ्री. सो इंडेक्स वन इज दिस, इंडेक्स टू इज दिस, इंडेक्स थ्री इज दिस, इट विल बी डिस्प्लेड. यस मैम, आई हैड रिटन 1:4 ओनली, हाउएवर इन द आंसर शीट इट हैड गिवन 0:3. गलत है वो, 0:3 से तो फर्स्ट रो से दिखाएगा ना, सेकंड रो से थोड़ी दिखाएगा. So the yes, answer sir. wherever it is given is wrong. That does not make a sense. वो बोल रहा है second row, तो zero से second row तो आ ही नहीं सकती. That will be first row. Yes. ठीक है. Then you have to display only the columns, quantity and price using lock. अब इसने specifically लिखा है lock. अगर lock ना लिखा होता तो आप सीधे answer ऐसे लिख सकते थे, quantity, comma, price. लाइक दिस. सो दो बार स्क्वायर ब्रैकेट्स आ जाती, बट अगर लॉक से ही करना है तो आप लिखोगे dfn.lock,
सारी रोज चाहिए तो पहले कोलन लिखना पड़ेगा, और उसके बाद आपको एज ए लिस्ट क्वांटिटी और प्राइस लिखना पड़ेगा ऐसे। सो इसका जो आंसर है वो ये यस सर, बनेगा, ठीक है, गिवन यस बिलो सर डे, ठीक है। मैम। एक मिनट नीलम, जो आपने क्वेश्चन पूछा है बेटा, इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि 7 दिसंबर 2022 को कौन सा दिन था? खुशी, जरूरी नहीं है कि सेम सैम्पल क्वेश्चन पेपर वाला आए, इट कैन बी प्रोग्राम लिखने को भी आ सकता है, या फिर आपको फिल इन द ब्लैंक की फॉर्म में भी आ सकता है, यू जस्ट फिल इन द ब्लैंक्स, उस फॉर्म में भी आ सकता है। हाँ जी, इधर मैम श्रेष के हो गए, आई हैड जस्ट वन लास्ट डाउट मैम। बोलो। मैम इन मैनी क्वेश्चंस मैम, लाइक इन दिस क्वेश्चन इट इज सेइंग टू चूज द मोस्ट सुटेबल केबल लेआउट। सो मैम एज पर मी आई डिड द स्टार टोपोलॉजी, बट इन द आंसर दे हैव चूजन बस टोपोलॉजी। You go for star topology, you will not use any other unless it is mentioned for economical और उसका बस बन रहा होगा तो। बुक्स में कहीं पे कोई आंसर होगा, कहीं पे कोई आंसर होगा, बट स्टार विल गिव यू श्योर शॉर्ट मार्क्स। आपका यहाँ पर सर्वर ट्रेनिंग में है, तो आप ट्रेनिंग को बाकी तीनों के साथ कनेक्ट करो और लिखो कि स्टार टोपोलॉजी इज गोइंग टू बी यूज इन दिस, ठीक है? Because ma'am, then नोट what they गुड। have done, as they have chose topology, then they are saying that we need no repeater as no distance is exceeding 100 meter. But for star topology, since in many path it is exceeding, we are needing the repeater. That's why I was confused. हाँ, फॉर एक्सीडिंग ओनली वी विल बी यूजिंग द रिपीटर ना, अदरवाइज नॉट। Yes ma'am. हाँ ठीक है, थैंक यू मैम। ओके, ऑल द बेस्ट। मैम एक बार सेकंड नंबर पे मेरी इटरेशन की स्टेटमेंट्स देख लो बस, सही फॉर लिख। के इन डी एफ डॉट आइटर रोज और आइटर आइटम्स, हाँ सही है, एफ स्मॉल होगा बस, बाकी सही है। और मैम एसक्यूएल के आउटपुट लिखने में मतलब हमें बॉक्स बनाकर बॉक्स, लिखना है ना? हाँ बॉक्स बनाकर ऊपर कॉलम्स के नाम लिखकर फिर नीचे बॉक्स बनाकर लिखकर, ओके मैम, थैंक। ठीक है? ओके, मैम वेट मैम एक सेकेंड, एक मैम सेकेंड, एक प्लीज। सेकेंड, एक सेकेंड। शगुन इज आस्किंग एथरनेट कार्ड, वाईफाई कार्ड, RJ45, टेलनेट, ये एक्सप्लेन कर दो। बेटा एथरनेट कार्ड इज अ कार्ड जिसे हम NIC कार्ड भी कहते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जो कि आपके कंप्यूटर को किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए चाहिए। सो इफ यू वांट टू कनेक्ट टू अ लोकल एरिया नेटवर्क, वी नीड एन एथरनेट कार्ड फॉर दैट, ठीक है? वो तो हो गया वो, और जो उसके साथ वो पिन लगता है ना, जो इसको प्रेस करके हम उसमें लगाते हैं एथरनेट कार्ड के अंदर, दैट कनेक्टर इज कॉल्ड RJ45 कनेक्टर, ठीक है? वाईफाई कार्ड है जिसके थ्रू आप वायरलेस सिग्नल्स को कैच कर सकते हो या ट्रांसमिट कर सकते हो। एंड टेलनेट बताओ भाई, कौन बता रहा है यहाँ पे? एनीवन हु वांट्स टू एक्सप्लेन टेलनेट? मैम फॉर रिमोट लॉग इन ऑन कंप्यूटर। फॉर रिमोट लॉग इन, अगर मुझे एक जगह पे रहकर किसी दूसरे कंप्यूटर पर लॉग इन करना है तो मैं वहां पर क्या यूज कर सकती हूँ? टेलनेट। सो आई कैन यूज टेलनेट ओवर देयर, ठीक है? सो इसके लिए सॉफ्टवेयर कौन कौन से यूज होते हैं? एनीडेस्क एनी डेस्क, मैम जूम टीम व्यूअर। जूम, टीम व्यूअर, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पर मुझे एक चीज बताओ, मैं यहाँ पर एक कोड लिख रही हूँ, आप जो CS वाले बच्चे हैं वो बताएंगे कि इस कोड का आउटपुट क्या होगा। ये वाला प्रिंट नहीं है, ठीक है, इसको हटा दो। अब यहाँ पर है प्रिंट X, मैंने प्रोसेस को कॉल किया और उसके बाद फिर से X को प्रिंट कर दिया। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस कोड? सार्थक, दिस इज योर डाउट्स 50-50 आंसर, ओके? मैम ब्लैंक हो गया, सॉरी सॉरी बता मैम 50-75, मैम नन होगा 50-75, तो फिफ्टी पहले मैम इस होगा होगा 50 70 फिफ्टी 70 50 फिफ्टी 50 70 50 सेवेंटी फिफ्टी, ठीक है? सो यहाँ पर क्या हो 50 रहा है कि एक्स आपका एक ग्लोबल वेरिएबल है, फिर आपका उसने प्रिंट कर दिया, जब प्रोसेस कॉल हुआ तो प्रोसेस के अंदर एक्स एक नया वेरिएबल बना जो कि 70 है, फिर उसने 70 को प्रिंट कर दिया, फिर जब वापस आया तो एक्स आपका 50 ही रहेगा क्योंकि ये वाला एक्स अलग है और ये वाला एक्स अलग है,
सो बोथ आर टू डिफरेंट एक्स, ठीक है? सो ये लोकल वेरिएबल नया बनता है, पर आप चाहते हो कि नया नहीं बनाना, इट शुड बी द सेम वेरिएबल जो बाहर यूज हो रहा है. तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, ग्लोबल एक्स. तो फंक्शन के अंदर हम लिख देंगे ग्लोबल कीवर्ड एंड देन वेरिएबल का नाम. सो ग्लोबल एक्स का मतलब क्या है कि न्यू वेरिएबल क्रिएट नहीं होगा, आई एम रेफरिंग टू द आउटर वेरिएबल ओनली. तो आपके पास पहले 50 बनेगा, फिर 70 प्रिंट होगा और फिर 70 ही होगा, क्योंकि एक ही एक्स है जिसके अंदर हम चेंजेस कर रहे हैं, नया एक्स क्रिएट ही नहीं हुआ. दैट इज द पर्पस ऑफ हैविंग ग्लोबल वेरिएबल्स. सो ग्लोबल वेरिएबल्स का काम ही यही है कि वो आपको, ठीक है, और ग्लोबल वेरिएबल्स का काम ही यही है कि वो आपके सेम वेरिएबल को यूज करते हैं रादर देन क्रिएटिंग अ न्यू वन. भौमिक अभी अभी ज्वाइन समझाया है मैंने बेटा, इस वीडियो को पीछे जाके देखो, यू विल गेट इट. आई हैव एक्सप्लेन्ड जॉइंट्स इक्वी एंड नेचुरल बोथ जस्ट 5 to 10 minutes बिफोर. सो प्लीज वॉच दैट अगेन. राइट अ यूजर डिफाइंड फंक्शन फाइंड नेम नेम वेयर नेम इज एन आर्ग्यू. ये परिणिता के डाउट्स है. Write a user-defined function find name name where name is an argument in Python to delete phone number from a dictionary, phone book on the basis of the name where name is the key. आपको फाइल में से डिलीट नहीं करना है, आपको किस में से डिलीट करना है, डिक्शनरी में से. सो यू हैव टू मेक अ यूजर डिफाइंड फंक्शन फॉर दैट, ठीक है? सो अगर मुझे इसके लिए फंक्शन बनाना है तो मैं क्या करूंगी, आई विल राइट डेफ. फंक्शन का नाम इन्होंने बोला है कि फाइंड नेम लो, ब्रैकेट में आपने नेम ले लिया. अब वो कह रहा है वेयर नेम इज एन आर्ग्यूमेंट इन पाइथन टू डिलीट फोन नंबर फ्रॉम अ डिक्शनरी फोन बुक ऑन द बेसिस ऑफ द नेम वेयर नेम इज द की. सो नेम की है. कौन सा फंक्शन यूज होता है डिक्शनरी में से वैल्यू डिलीट करने के लिए? कौन सा फंक्शन यूज करते हो आप डिक्शनरी में से वैल्यू डिलीट करने के लिए, बोलो सीएस वालों, जागो, बोलो कौन सा फंक्शन यूज होता है? असर्शन रीजन के दो क्वेश्चंस आएंगे आपको बेटा फॉर श्योर. एनीवन, व्हिच फंक्शन इज यूज्ड टू डिलीट? आपके पास यहां पर आप लिखोगे फोन बुक डॉट पॉप ब्रैकेट में नेम. क्या लिखोगे? फोन बुक डॉट पॉप ब्रैकेट में नेम. सो डिक्शनरी में से डिलीट करने के लिए हम डिक्शनरी का नाम लिखते हैं, फिर डॉट पॉप लिखते हैं और ब्रैकेट में की देते हैं. आपको उसका फोन नंबर चाहिए तो आप लिख सकते हो फोन इज इक्वल टू फोन बुक डॉट पॉप नेम एंड आई कैन प्रिंट दैट फोन आफ्टर दैट. सो आपका जो डेफ फाइंड नेम ब्रैकेट में नेम आ जाएगा और इसके अंदर आ जाएगा ये कोड फोन इज इक्वल टू फोन बुक डॉट पॉप नेम. उससे डिक्शनरी से वो वैल्यू डिलीट हो जाएगी और वो मेरे पास फोन नाम के वेरिएबल में आ जाएगी. प्रिंट फोन करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा, रिमूव नहीं होता बेटा, पॉप होता है. डिक्शनरी में से इफ यू हैव टू डिलीट यू विल नॉट बी यूजिंग रिमूव, वो लिस्ट में से रिमूव करने के लिए होता है. यहाँ पे हमारे पास पॉप है, ठीक है? परिणिता इज इट क्लियर? Is it clear to you? Next question है, write push contents and pop contents method in Python to add numbers and remove numbers considering that to act as push and pop operations on the stack. So इसमें आपको contents नाम का stack लेना है. So ये question क्या कह रहा है? That you should have a stack named contents. Push में आपको उसके अंदर एक number insert कराना है. Pop में आपको वो numbers remove कराने हैं. तो आप कैसे शुरू करोगे? आप कंटेंट को एक खाली स्टैक ले लोगे. सो कंटेंट इज अ ब्लैंक स्टैक. सो खाली लिस्ट ले ली मैंने उसको, ठीक है? सो कंटेंट एक आपके पास खाली लिस्ट है. अब इसके अंदर आपने क्या किया, डेफ पुश, पुश के अंदर कंटेंट रिसीव किया है, यहां पर आप अपना नंबर इनपुट करवा लोगे, इंट इनपुट एंटर अ नंबर. कंडीशन कोई बोली नहीं है चेक करने के लिए. सो सिंस नो कंडीशन इज टोल्ड टू बी चेक्ड, तो हम यहां पर लिखेंगे एंटर अ नंबर और उसके बाद हम यहां पर
कंटेंट डॉट अपेंड ब्रैकेट में नम को पास कर देंगे, ठीक है। सो यहां पर मैंने इंट इनपुट एंटर नंबर किया, कंटेंट डॉट अपेंड नम कर दिया, मेरा नंबर एड हो गया। देन आई हैव टू डिफाइन पॉप। पॉप में क्या करना है आपको, जब तक हमारा पॉप का देखो कोड हमेशा ही सेम रहता है, आप वही कोड लगा लोगे कि व्हाइल लेन ऑफ कंटेंट इज ग्रेटर देन जीरो, जब तक ऐसा है तब तक क्या होता रहे, आप पॉप करा के प्रिंट कराते रहो। तो आप यहां पर लिख सकते हो प्रिंट कंटेंट डॉट पॉप, पॉप होगा, प्रिंट होता रहेगा, और लूप से बाहर आने के बाद जब लूप खत्म हो जाए तो हम प्रिंट कर सकते हैं स्टैक इज एम्प्टी इफ इट इज रिक्वायर्ड। और तो कोई तरीका ही नहीं है ना परिणता, या तो आपको लिस्ट दी होती, या तो आपको लिस्ट दी होती तो आप उसमें से नंबर्स लेते, उसने बोला है टेक द नंबर्स फ्रॉम द यूजर, माय प्लेजर अंकित एंड थैंक्स फॉर रिकॉग्नाइजिंग। अगर यूजर से इनपुट नहीं लेना होता तो वो पहले किसी लिस्ट वगैरह में होता हमारे पास। तो हीन अगर आप जूम पे हो तो बेटा जूम चल नहीं रहा है, समहाउ इट इज डिसकनेक्टेड, टेल देम टू ज्वाइन ओवर हेयर ओनली, मैं अभी सारे डाउट्स वहां से सॉल्व कर दूंगी, ठीक है। ऐसे ही आपको कुछ ये भी बोल सकते हैं कि कस्टमर के नेम इंसर्ट करो, तो आप कस्टमर नेम इंसर्ट कर सकते हो, है ना। या जैसे वो पैकेज वाला क्वेश्चन ग्रुप में डिस्कस हो रहा था कि पैकेज इंसर्ट करो, तो पैकेज की डिस्क्रिप्शन इनपुट करके इंसर्ट कर सकते हैं और फिर पॉप करा सकते हैं। सो वी कैन इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड इंसर्ट एज टोल्ड ओवर हियर। अब इसमें क्या है, राइट अ पाइथन कोड यूजिंग टू फंक्शंस एज फॉलोज, रिमूव रो टू रिमूव अ रिकॉर्ड फ्रॉम द कॉलेज फाइल कॉलेज डॉट सी एस वी हैविंग फॉलोइंग स्ट्रक्चर सीरियल नंबर स्टूडेंट नेम सिटी एंड परसेंटेज। फिर है गेट कॉलेज to read the records of the college file college.csv and display names of students whose names start with a lower case vowel, ठीक है। so पहले मैं आपको get college वाला बता देती हूँ। अगर आप get college वाला function बना रहे हो तो आपको csv file में सबसे पहले तो क्या करना है, import csv, ठीक है। फिर आपने बनाया def get college, ठीक है। अब देखो ये होता है डाउट पूछने का तरीका कि आप मुझे क्वेश्चन बोलो कि मैम ये क्वेश्चन बता दो, अगर आप कमेंट्स में ये लिखोगे कि मैम सीएसवी समझा दो, बेटा वो डाउट नहीं है, ठीक है। आपने अगर यहाँ पर ये लिखा कि सीएसवी समझा दो, दैट इज नॉट अ डाउट, आपको एक स्पेसिफिक क्वेश्चन में डाउट है, आप वो पूछ रहे हो, इसका मतलब है कि आपने वीडियो देखी है पहले सीएसवी की वन शॉट, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे, आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, पर सीएसवी समझा दो मतलब आपने अभी तक समझा ही नहीं है, ठीक है। सो प्लीज आस्क स्पेसिफिक डाउट्स विच कुड बी एक्सप्लेन। ऊपर ऊपर से ही पढ़ने हैं भौमिक, बस फुल फॉर्म्स पता होनी चाहिए सबके, ठीक है। अब गेट कॉलेज में आप फाइल ओपन करोगे, सो विथ ओपन कॉलेज डॉट csv comma r as f, ठीक है। ये मैंने फाइल ले ली, अब इसके अंदर से cr is equal to csv dot reader, cr is equal to csv dot reader bracket में हमने f दे दिया, cr is equal to csv dot reader f आ गया। आपको क्या करना है, उनको शो करना है जिनका नाम वोवल वगैरह से जो भी कंडीशन दी है वो शुरू होता है। सो फॉर रो इन सीआर, एक एक करके आप रो को रीड कर रहे हो, कंडीशन आपको ये चेक करनी है कि विद अ लोअर केस वोवल, जिसका नाम लोअर केस वोवल से शुरू होता है, और स्टूडेंट नेम कहाँ है, वन इंडेक्स पे, तो वन इंडेक्स पे है तो मैं क्या चेक करूंगी, इफ रो वन, रो वन पे मेरे पास नेम है, उसका पहला कैरेक्टर A E I O U small या फिर A E I O U capital है, अगर है तो रो को प्रिंट करो, अदरवाइज आप रो को प्रिंट नहीं करोगे, दैट्स इट, दिस विल बी योर कोड। सी एस वी के क्वेश्चन आई पी में बेटा ज्यादा से ज्यादा वन या टू मार्क का आएगा, तो उसमें आपको आई पी में पता होना चाहिए कि टू सी एस वी किस लिए होता है, रीड सी एस वी किस लिए होता है।
एंड परिणीता डिलीशन वाला सेम वैसे होगा जैसे सुबह उसका बताया था आयुष का, उसमें डिलीशन में क्या करोगे, आपको दो फाइल्स लेनी पड़ेगी, एक फाइल को आप ओपन करोगे रीड मोड में, दूसरी फाइल आपको ओपन करनी पड़ेगी राइट मोड में, जिसका नाम आप ले सकते हो temp.csv एंड इट शुड बी टेकन इन राइट मोड। सेम आपको ऐसे ही रीडर लेना पड़ेगा, फिर आपको सेम लूप लगाना पड़ेगा। उसमें बस ये चीज है कि जिस कंडीशन को, जिसको आपको डिलीट करना है, ठीक है, उसे छोड़ के बाकियों को हम जी में राइट रो करा देंगे। सो जिसे डिलीट करना है उसे छोड़ के आप दूसरी फाइल में राइट करा दोगे और फिर os.rename से उसका नाम चेंज कर दोगे। मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम नहीं आता सार्थक, जनरली आपको सिर्फ पुश पॉप फंक्शन डिफाइन करने होते हैं, नीचे आप एक एक लाइन में कॉल कर सकते हो। मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम अभी तक कभी, ग्रुप बाय और जॉइंस मैंने कितनी बार कराया है पवन, आज सुबह भी किया था, आप क्लास में आए नहीं थे डेटाबेस वाली में। इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू यूज नेमिंग में, तो मैम कॉपी इज इक्वल टू ट्रू, कॉपी जहां पे आपको क्रिएट करनी हो वहां पर हो सकता है, यू डोंट हैव टू यूज इट एज सच अलग से, मतलब ऐसा कहीं पे पूछा नहीं जाता। इंसर्शन और बबल्स और सिलेबस में नहीं है, ठीक है। जीरो इसलिए लिखा है परिणीता क्योंकि वन पे तो मेरे पास नेम है, वन पे मेरे पास नेम है, अब नेम का फर्स्ट लेटर उठाना है, सो नेम का फर्स्ट लेटर कैसे आएगा, जीरो पोजिशन है ना, सो वी हैव जीरो पोजिशन पे। अच्छा चाहत ने ये तो टेस्ट सॉल्व करके भेजा है, चाहत इस दे, चाहत है अभी इधर, इसका 9 आ रहा है आंसर, राइट रो राइट रो। अच्छा चाहत का तो बता दिया ना, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी होता है जब आपका मैच होता है, क्या मैच होता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी में, फॉरेन की एंड प्राइमरी की। आईटी में बेटा अब अगले सेशन के लिए शुरू करूंगे, आई एम सो सॉरी फॉर आईटी स्टूडेंट्स, बट विल डेफिनेटली डू इट फॉर नेक्स्ट सेशन। सेव फिग में बेटा plt.savefig ब्रैकेट में abc.jpg, जो भी आपको फाइल का नाम देना है वो आप दे सकते हो। इसका आंसर सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है। स्वैपिंग विकास किस चीज के लिए पूछ रहे हो बेटा, स्वैपिंग तो आपको आता ही नहीं है ना, स्वेच्छा का डाउट देख रही हूँ, इसके बाद स्वेच्छा आपका देख लेते हो, एक बार हेलो भेज दो ताकि आपका ऊपर ऊपर आ जाए क्वेश्चन। सो इसमें 25/5 विल बी 5, 29/5 विल बी 4, सो 5+4 9 हो गया, ये आपका 4 0 आ जाएगा, हाँ 9 आंसर आना चाहिए, सही कह रहे हो, आंसर शुड बी 9। ओके एनी नेम ऑफ द फाइल बेटा, मतलब एबीसी इन द सेंस कि सेव फिक की ब्रैकेट में आपको कोई भी जेपीजी फाइल का नाम देना है, सो गिव वॉट एवर फाइल नेम यू हैव टू चेक ओवर देयर। फिल इन द ब्लैंक, डैश टेबल कंस्ट्रेंट विल प्रिवेंट द एंट्री ऑफ डुप्लीकेट रोज इन अ टेबल, इसमें से कौन सा कंस्ट्रेंट है जिसको लिखने से आप ये अश्योर करते हो कि आपकी डुप्लीकेट वैल्यू एंटर ही नहीं होगी टेबल में। चेक कर रही हूँ रुचिका, अभी आपने भेजा हुआ है ना, यस परिणता, यूनिक, यस त्रिशूल, अगर पूरा आईपी रिवाइज करना है तो गो थ्रू द प्लेलिस्ट ऑफ वन शॉट एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस बेटा। डिस्टिंक्ट नहीं है इसका आंसर रोशनी, इसका आंसर यूनिक है, यूनिक है बेटा तुहीन, इट्स नॉट डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट कीवर्ड नहीं होता है, कीवर्ड होता है कंस्ट्रेंट नहीं होता है,
डिस्टिंक्ट इज अ कीवर्ड बट इट इज नॉट अ कंस्ट्रेंट. आपको बोला है कि आपको टेबल में डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट ही नहीं होने देनी है. डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट ही नहीं होने देनी है, तो वहां पे जो कंस्ट्रेंट यूज होगा वो होगा यूनिक. यूनिक इज अ कंस्ट्रेंट. डिस्टिंक्ट तो तब यूज होता है जब मेरे पास डुप्लीकेट वैल्यूज टेबल में है लेकिन मुझे दिखानी नहीं है डुप्लीकेट. ना, जो आपको सिर्फ डुप्लीकेट के लिए पूछा है तो वो यूनिक है. डुप्लीकेट और नॉट नल दोनों होता है तो प्राइमरी की है. तो इसका जो डायरेक्ट कंस्ट्रेंट है वो यूनिक है. अभी अभी बताया बेटा मैंने लोकल और ग्लोबल वेरिएबल. रुचिका आप थे नहीं तब. आई जस्ट एक्सप्लेन 10 मिनट्स बैक. अभी लोकल और ग्लोबल का एग्जाम्पल दिया था. अभी रिमूव करा है. सो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देखो, यू विल गेट इट. इनफाइनाइट मोटिवेशन. हाँ जी बेटा बोलो. कंसिडर अ बाइनरी फाइल एम्प्लॉय डॉट डी ए टी कंटेनिंग डिटेल सच एज एम्प नंबर कोलन ई नेम कोलन सैलरी. राइट अ पाइथन फंक्शन टू डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ दोज एम्प्लॉयज हु आर अर्निंग बिटवीन 20,000 एंड 40,000. देखो अब बाइनरी फाइल एक ऐसी फाइल है जिसमें हम जब भी कुछ राइट करते हैं तो जिस फॉर्म में आपने राइट किया है उसी फॉर्म में रीड होता है. तो अगर मैं स्ट्रिंग राइट कर रही हूँ तो स्ट्रिंग रीड होगी. अगर मैं इंटीजर राइट कर रही हूँ तो इंटीजर राइट होगा. अब इसमें स्ट्रिंग राइट हुई हुई है इस फॉर्म में एम्प नंबर कोलन ई नेम कोलन सैलरी. वो आपको रीड करनी है और आपको वो वाले इम्प्लॉयज दिखाने हैं जिनकी सैलरी 20,000 से 40,000 के बीच में. तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उसको एज अ स्ट्रिंग रीड करने के बाद इसको स्प्लिट कर सकते हैं. स्प्लिट करेंगे तो ये लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा एम्प नंबर नेम और सैलरी. फिर 0, 1, 2 टू पोजिशन पे आप चेक कर लोगे कि जो टू पोजिशन वाली वैल्यू है अगर वो 20,000 से 40,000 के बीच में है तो उसे शो कराओ और अगर नहीं है तो शो नहीं कराओ. तो फाइल का नाम है एम्प्लॉय डॉट डी ए टी. सो व्हेन यू आर वर्किंग ऑन बाइनरी फाइल आप क्या करेंगे, आप इम्पोर्ट पिकल करेंगे. इम्पोर्ट पिकल करने के बाद आप अपने फंक्शन का नाम दोगे जो भी क्वेश्चन में दिया होगा. देन आप अपनी फाइल को ओपन करेंगे. फाइल का नाम है एम्प्लॉय डॉट डी ए टी. फाइल ओपन होगी किस में, रीड बाइनरी मोड में. नाउ यू वॉन्ट टू रीड फ्रॉम इट, तो हमने यहाँ पे लगाया ट्राई, ट्राई के अंदर लगाया वाइल, वाइल के साथ लगाया ट्रू. रीड करने के लिए हम क्या लिखते हैं, पिकल डॉट लोड फाइल का नाम. आपके पास रीड होके आ गया, पर ये जो डेटा है ये तो स्ट्रिंग है. स्ट्रिंग है तो मैं यहाँ से एम्प्लॉय का डेटा निकालना चाहती हूँ तो मुझे यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लाइन लिखनी पड़ेगी. दैट इज डेटा डॉट स्प्लिट राउंड ब्रैकेट में मैंने कोलन दे दिया. सो मैंने कहा कि स्प्लिट कहाँ पे करो, कोलन पे. तो अब एम्प नंबर अलग हो जाएगा, नेम अलग, सैलरी अलग. अब आपको चेक करना है कि टू पोजिशन पे जो है सैलरी अगर तो वो 20,000 से ज्यादा है एंड वो 40,000 से कम है, दैट मीन्स इट लाइज बिटवीन 20,000 to 40,000, तो आपको उस एम्प डिटेल को शो करना है. अब आप चाहे डेटा प्रिंट करो चाहे एम्प, डिटेल्स तो सेम ही शो होंगी. और फिर ट्राई के नीचे आपका एक्सेप्ट आ जाएगा, उसके अंदर फाइल आपकी क्लोज हो जाएगी. दैट इज इट. सो हमने यहाँ पर सिर्फ एक एक्स्ट्रा स्टेप किया है, वो है स्प्लिट का. ठीक है, अभी तो बताया था जब चाहत ने पूछा था पीयूष आप कहाँ थे तब. फाइन, इज इट क्लियर. ये किसका बता रही हूं मैं वैसे, स्वेक्षा ने भेजा ना ये. स्वेक्षा ये क्लियर है. हाँ, ब्रैकेट में कोलन क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, लूप लगाया तो है बेटा, वाइल ट्रू के अंदर ही तो लिखा है. साइज फंक्शन पाइथन में होता ही नहीं है बेटा. वी डोंट हैव साइज. साइज आप डेटा फ्रेम के पास पूछ रहे हो क्या? आईपी है स्वरा आपके पास? यहां पे देखो लिखा हुआ था ना स्ट्रिंग के बीच में कोलन है, दैट इज वाई हमने उसको स्प्लिट किया है. पीयूष इसके बाद आपका ही ओपन कर लो. स्वरा, साइज अगर आप यूज कर रहे हो सीरीज और डेटा फ्रेम के साथ, सो इट टेल्स यू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स. एक सीरीज में कितने एलिमेंट्स हैं वो आपका साइज बताएगा,
और डेटा फ्रेम में जो साइज होता है वो होता है नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम. राइट द डिफरेंस बिटवीन सीएसवी एंड टेक्स्ट फाइल. राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट डिटेल्स ऑफ क्लॉक. अच्छा देखो इन वन गो का मतलब पता है क्या है, स्वेक्षा एंड बाकी सब सीएस वाले स्टूडेंट्स, वन गो का मतलब है कि आपको यहाँ नेस्टेड लिस्ट बनानी पड़ेगी. आप एक इनिशियल लिस्ट ले लो जो कि ब्लैंक है, फिर आप क्लॉक की डिटेल्स पूछते जाओ पूछते जाओ. इन दोनों क्वेश्चंस में फर्क क्या है, इसमें है इन वन गो, इसमें है वन रिकॉर्ड एट अ टाइम. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू. पहले वाले में जैसे क्लॉक्स था तो आप क्लॉक्स की एक लिस्ट ले लेते ब्लैंक, ठीक है, फिर जितनी भी क्लॉक्स आपको इनपुट करनी है वो आप इनपुट करके उसकी लिस्ट बनाते और उसको क्लॉक्स वाली लिस्ट के अंदर अपेंड कर देते. उससे क्या होता, मेरे पास बन जाती एक नेस्टेड लिस्ट. उस नेस्टेड लिस्ट के अंदर आई विल हैव मल्टीपल क्लॉक्स. तो जब आप उसको राइट करवाओगे तो कौन सा फंक्शन यूज करोगे, राइट रोज. सो राइट रोज की हेल्प से हम मल्टीपल क्लॉक्स को राइट कर सकते हैं. और वो जो वन बाय वन वाला है वो तो वो है जैसे हम पहले करते आ रहे हैं कि एक टाइम पे एक क्लॉक की डिटेल्स को रीड किया, लिस्ट बनाई और राइट रो की हेल्प से उसको हमने राइट कर दिया. महक उसमें सुबह होल सिलेबस रिवाइज होगा रैपिड वे में. ऑल इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स विल बी रिवाइज इन द मॉर्निंग. किसका सेम डाउट था, पीयूष 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 वेयर इज पीयूष, नाइन्थ वाला. अ बाइनरी फाइल सिनेमा डॉट डी ए टी हैज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, मूवी नंबर जिसमें मूवी नेम और मूवी टाइप है, वेयर एम नंबर इज द मूवी नंबर, एम नेम इज द मूवी नेम, एम टाइप इज द टाइप दैट एक्सेप्ट्स. आगे क्या है पीयूष, इसमें सेम डाउट था. एक बारी प्रोग्राम में लिख दीजिए समझ यार. दैट्स ग्रेट अंकित, कैसे भी ओपन कर लो परिणता, इट्स सेम थिंग. देखो मैं ये क्लॉक्स वाला आपको पूरा लिख के दिखा देती हूँ. अगर आप मल्टीपल क्लॉक्स ऐड करना चाहते हो, फंक्शन का नाम मान लो क्लॉक्स करके कुछ है, ठीक है, आपने यहाँ पर ओपन किया, फाइल का नाम है क्लॉक डॉट डी ए टी, आई वॉन्ट टू एड क्लॉक्स टू इट, तो मैंने अपेंड बाइनरी ले लिया. फिर मैंने क्लॉक्स नाम की एक लिस्ट ली ऐसे, फिर मैंने एक एन यूजर से पूछ लिया कि बताओ कितनी क्लॉक्स आपको ऐड करनी है. सो एंटर द नंबर ऑफ क्लॉक्स, ठीक है. फिर आप क्या करना चाहोगे, लूप लगाओगे फॉर आई इन रेंज एन. फॉर आई इन रेंज मैं क्लॉक आईडी इनपुट कर लूंगी, क्लॉक का जो भी नाम है, कॉस्ट है, वट एवर इट इज, वो आप इनपुट कर लोगे. और फिर आप सी डेटा नाम की एक लिस्ट ले लो, उसके अंदर आपने क्लॉक आईडी, क्लॉक नेम, जो भी और डेटा है वो ले लिया. एंड नाउ क्लॉक्स वाली जो मेरी बाहर लिस्ट है उसके अंदर मैंने इसको अपेंड करा दिया. तो इससे क्या होगा कि अगर यूजर ने बोला है कि पांच आपके पास लिस्ट है, मतलब पांच क्लॉक्स है, तो वो पांच बार लूप चलाएगा, हर बार एक लिस्ट इनपुट होगी और लिस्ट जो है वो आपकी अपेंड होती जाएगी, ठीक है, अपेंड होती जाएगी. जब हम यहां पर आएंगे तो हम यहाँ पर अपना राइटर क्रिएट करेंगे जैसे पहले करते थे, सी एस वी का राइटर क्रिएट होगा और आप सी डब्ल्यू डॉट राइट रोज करोगे जिसमें आप अपना क्लॉक्स को पास कर दोगे. सो जब नेस्टेड लिस्ट होती है वो यहाँ पर पास होगी राइट रोज में. ऑल द बेस्ट एवरी वन, डू योर बेस्ट. इंसर्ट -2, 30 करेंगे किसी लिस्ट में तो ये 30 -2 पोजिशन दिखा.
हाँ क्योंकि पीछे से ऐसे होता है ना, आपके पास 10, 20, 30, 40, 50 है, अब आप इस पे कहते हो -2 पोजीशन ये है, राइट? यहां पर आप इंसर्ट करोगे अगर, तो क्या होगा, यहां इंसर्ट होगा तो 40 अपने से एक आगे शिफ्ट हो जाएगा और 50 अपने से एक आगे, ऐसे ही होगा ना चाहत? आपने यहां पर इंसर्ट किया 25, तो 40 और 50 आगे शिफ्ट हो जाएंगे, सो ये 25 यहां पे इंसर्ट हुआ, तो इंसर्ट होने के बाद उसकी पोजीशन क्या होगी? -3, क्योंकि जो -2 वाला था उसको तो उसने आगे धक्का दे दिया, राइट? आपने इंसर्ट -2 पे किया है, लेकिन आफ्टर द इंसर्शन इट विल बी एट -3 ओनली. हाउ टू सेव अ ग्राफ बेटा? plt.save_fig ब्रैकेट में आपके जो भी company.png. तो इससे क्या होगा, आपका जो ग्राफ है वो इस नाम से सेव हो जाएगा उसी लोकेशन में जहां पर आपका पाइथन प्रोग्राम सेव्ड है, राइट? दैट इज हाउ सेव फिग इज यूज्ड. अब बताओ किसका डाउट रह गया? DB2 बेटा है, जैसे MySQL होता है, Oracle होता है, वैसे ही एक सॉफ्टवेयर होता है DB2, दैट इज ऑल्सो अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. सो लाइक वी हैव अदर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वी हैव अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड DB2 एज वेल. आगे कुछ नहीं है पीयूष आपके में, यही पिक्चर है बस, तो यही तो है, दिस इज वन पिक्चर विच यू हैव सेंट. ये क्वेश्चन मैंने कल वाली वीडियो में कराया, ये जिसने भी भेजा है चेक इट ओवर देयर. अच्छा ये आपका नहीं है, ये PCA का है. सेफ फिग मैंने बता दिया. ये किसने भेजा है? शगुन ने. शगुन है यहाँ पे, इस शगुन देर महक आई ट्राई बेटा, बट आई हैव टू ड्रॉप माई सन टू स्कूल, मतलब एट द स्कूल बस स्टॉप, आफ्टर दैट ओनली आई कैन स्टार्ट द क्लास एंड कांट हेल्प इट. ये क्या हुआ? SMTP is to send emails. POP3 is to manage your post office protocol, that is your inboxes and all. ठीक है पीयूष, आप देखो मैं आपको दिखा रही हूं, आप मुझे बताओ कहां पर है. अच्छा ये जिसका भी क्वेश्चन है, शगुन का क्वेश्चन है, शगुन है. अ बाइनरी फाइल प्रोडक्ट डॉट DAT हैज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर. तो शगुन जैसे मैंने अभी ये कोड लिखा है ना CSV वाला, इसमें लूप लगा के सेम ऐसे ही होगा, बस आपका ये बाइनरी के केस में आ जाएगा. आप इसमें अपनी फाइल ऐसे ही खोलोगे बाइनरी में, सेम ऐसे ही, और फिर आप पूछ लोगे कि बताओ हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर देयर, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर देयर. लूप चल जाएगा फॉर आई इन रेंज 7 करके, क्योंकि 7 प्रोडक्ट्स आप ले रहे हो. फिर आप उसके अंदर ये सारी डिटेल इनपुट करवा लोगे, पी नंबर, पी नेम, ब्रांड एंड प्राइस, चार चीजें आप इनपुट करवा लोगे, और फिर आप उसके अंदर उसकी डिक्शनरी फॉर्म करोगे. सो डिक्शनरी कैसे फॉर्म हो जाएगी, यहाँ पर पी इज इक्वल टू पी नंबर जो की है, फिर यहाँ पे जो वेरिएबल आपने लिया होगा वो, कॉमा पी नेम, फिर जो वेरिएबल आपने लिया होगा कोलन के साथ वो आ जाएगा, एंड सो ऑन. एंड आप यहाँ पर पिकल डॉट डम पी कॉमा फाइल का नाम दे दोगे. सो ये लाइंस जो है ये आपकी रिपीट होंगी 7 टाइम्स. सो यू हैव डन हाउ टू राइट वन रिकॉर्ड इन अ बाइनरी फाइल. अब आपको बस ऐसे लूप 7 बार चलाना है, फॉर आई इन रेंज 7, एंड वही कोड आपका 7 बार चलेगा, सो इट विल बी राइटिंग 7 रिकॉर्ड्स इन द फाइल. अब आपने एक और फोटो भेजी है पीयूष. पैरामीटर एंड डिस्प्लेस ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द बाइनरी फाइल दैट हैव वैल्यू ऑफ मूवी टाइप एज M टाइप. ठीक है, तो आपके पास एक फंक्शन बनाना है आपने
जिसमें आपको वो सारी मूवीज शो करनी है जिनका टाइप एम टाइप से मैच करता है, ठीक है? सो जिनका टाइप एम टाइप से मैच करता है, आपके पास डेटा एक डिक्शनरी की फॉर्म में है, आपके पास एम नंबर है और उसके अंदर एम नेम और एम टाइप है। मैंने ऐसा सिमिलर क्वेश्चन आपको कराया था जो कि बुक के लिए था, इफ यू रिमेम्बर, उसमें भी ऐसा ही था। पर चलो यहां पर अगर आप इसको कर रहे हो तो इट इज इंपोर्ट पिकल डेफ फाइंड मूवी जो भी आपका नाम है एंड एम टाइप आपने यहाँ पे रिसीव किया है। फाइल को आप ओपन करोगे, फाइल का जो भी नाम होगा मूवी डॉट डी ए टी, रीड बाइनरी में हम इसको ओपन करेंगे, फिर आप अपना लगा दोगे ट्राई, ट्राई के अंदर आप लगा दोगे वाइल, ट्रू, देन आप लिखोगे डेटा इज इक्वल टू पिकल डॉट लोड। देखो ये स्टेटमेंट हमेशा सेम रहती है, काम कुछ भी कर रहे हो आप, ठीक है? अब आपको क्या करना है इसके अंदर, एफ डॉट, सो डेटा इज इक्वल टू पिकल डॉट लोड एफ, एफ डॉट, मुझे चेक करना है मूवी टाइप मैच होना चाहिए। अब डेटा जो है वो डिक्शनरी है, डेटा आपका डिक्शनरी है जिसमें की है और वैल्यूज है, तो मुझे जो उसकी वैल्यूज है उसमें वाली वैल्यू है उसको चेक करना है वो एम टाइप के इक्वल है या नहीं। अगर तो वो इक्वल है तो मुझे उसको प्रिंट कराना है, और अगर इक्वल नहीं है तो प्रिंट नहीं कराना है। ये सेम बुक आईडी वाला क्वेश्चन हमने किया था जो अदीबा ने डाउट में भी पूछा था कि मैम आपने वैल्यूज के साथ वन क्यू लिखा है, इफ यू रिमेम्बर। और यहां पर हम फाइल को क्लोज करते हैं, सो दैट्स हाउ वी क्लोज द फाइल। असर्शन रीजन को कैसे सॉल्व करें, ऑप्शन सेम लगता है बेटा। अगर डायरेक्ट रिलेशन लगता है आपको, तो आप फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करोगे। इज इट क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू, ये समझ आ गया पीयूष? ये तुहीन वाला है, विच क्वेश्चन आउट ऑफ दिस तुहीन, कौन सा बताना है इसमें से? क्वेश्चन नंबर बोलो, थ्री एंड फोर। अच्छा, सो थ्री में देखो क्या है, ए फाइव है कि मैंने क्वेश्चन कराए तो हुए, सेम क्यों पूछते रहते हो? चलो एनी हाउ ए फाइव है तो सबसे पहले वो नीचे आएगा, अब इसमें आपके पास बी इज इक्वल टू एड ए कर रहे हैं, तो एड में हम क्या पास कर रहे हैं, फाइव। फाइव यहां बी में रिसीव हो जाएगा क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू को हम ओवरराइट कर रहे हैं, तो बी इज फाइव। ए मैंने ग्लोबल लिया है, मतलब जो भी चेंज ए में होगा वो वापस रिफ्लेक्ट होगा, सो ए प्लस बी, ए इज फाइव, बी इज फाइव, फाइव प्लस फाइव इज टेन, तो ए की वैल्यू टेन हो गई, तो ए वाली जगह पे वो टेन प्रिंट करेगा और बी वाली जगह पे वो फाइव प्रिंट करेगा, सो इट विल प्रिंट टेन हैश फाइव, ठीक है? सो ये क्या प्रिंट करेगा, टेन हैश फाइव। यहां से हम रिटर्न ए करेंगे तो टेन रिटर्न होगा, रिटर्न होके किस में आएगा, बी में, तो जब आप यहां पे प्रिंट करोगे तो ए आपका फाइव ही रहेगा, ए में कोई चेंज नहीं, ए में चेंज हो चुका है, ए टेन हो गया था क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल था, तो ए इज टेन और टेन जो रिटर्न हुआ है वो बी में आ गया, तो ये प्रिंट करेगा टेन हैश टेन। मुझे याद है कि इसका आंसर पहले था टेन हैश फाइव, फिर टेन हैश टेन, फिर ये ट्वेंटी ट्वेंटी हो जाएगा। सो अब जब आप बी को पास करोगे तो यहाँ टेन पास होगा, ए ऑलरेडी टेन है, टेन प्लस टेन ट्वेंटी हो जाएगा, सो ये ट्वेंटी टेन प्रिंट करेगा और वापस आके ट्वेंटी ट्वेंटी प्रिंट करेगा। आई स्टिल रिमेम्बर द आंसर क्योंकि मैंने आपको ये कल या परसों कराया। ओके,
प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द कोड गिवन बिलो. अब फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, वी आर स्प्लिटिंग ऑन स्टार. ये भी तो करा है, आप क्लास में नहीं थे तुहीन उस दिन. वी हैव डन दिस यस्टरडे और डे बिफोर यस्टरडे. बेटा ये तो आप अननेसेसरली कंफ्यूज हो रहे हो सेम किए हुए क्वेश्चंस को देख देख के. अगर आप ऐसे डाउट में आओगे तो ये पीयूष नहीं भेजे थे ना. नहीं ये तो मैंने ही भेजे हुए आपको क्वेश्चंस. सो आपके पास एस में ये स्ट्रिंग है, आप स्प्लिट करोगे तो स्टार पे स्प्लिट होगी. इसके सिर्फ दो ही हिस्से बनेंगे, एक होगा प्री बोर्ड सी एस और दूसरा होगा 2022 एक्सक्लेमेशन मार्क. सो इट विल डिवाइड माई लिस्ट इन टू टू पार्ट, प्री बोर्ड सी एस एंड 2022. फिर जे आपका टू है आप, फिर ये मैंने कराया हुआ है क्लास में. ऑल द बेस्ट सार्थक. जबकि ये क्वेश्चन मैंने शायद दो बार भी एक्सप्लेन किया था, है ना प्रणव? प्रणव तो था तब क्लास में. के इज इक्वल टू आई कोलन जे, जे कितना है टू. तो आपकी जो फर्स्ट स्ट्रिंग है प्री बोर्ड सी एस, उसमें से हम फर्स्ट टू कैरेक्टर्स उठाएंगे जो कि आएंगे कैपिटल पी आर. फिर वो चेक करेगा इफ के डॉट इज अपर. यस पी आर अपर है, पी आर अपर है तो हम जे को वन से इंक्रीज कर देंगे, जे थ्री बन जाएगा, एलिफ में जाएगा नहीं, ऊपर आ जाएंगे. अब आया 2022 एक्सक्लेमेशन मार्क. अब जब वो स्लाइस करेगा आई कोलन थ्री तो 202 आएगा हमारे पास. 202 अपर नहीं है लेकिन डिजिट तो है, तो जे में 2 ऐड हो जाएगा, जे 5 बन जाएगा. फिर हम ऊपर आएंगे, खत्म हो गया. अब बाहर आ गए तो ये बनेगा प्रिंट एस 5:5 मतलब हम यहाँ पे 5 इंडेक्स वाला कैरेक्टर प्रिंट करेंगे, 10 इंडेक्स वाला और 15 इंडेक्स वाला. सो 5 पे है मेरे पास ओ, फिर स्टार और फिर एक्सक्लेमेशन मार्क. पीयूष आपको तो ये आता है, व्हाई कांट यू एक्सप्लेन दिस टू तुहीन? सेव फिक का सिंटेक्स मैंने बता दिया, ठीक है. प्रणव आपका क्या डाउट है? चाहत व्हाट इज योर डाउट? ये तो दीपांजलि का था. डू वी हैव टू मेंशन दिस 0, 1, 2? नहीं, डेटा फ्रेम में कभी भी आपको 0, 1, 2 इंडेक्स मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप से ही ले लेता है. इट ऑलवेज टेक्स ऑफ इट्स ओन. चलो अब आप एक काम करो, सेंड मी द डाउट्स ऑन टेलीग्राम, व्हाट्सएप, वेयर एवर, बिकॉज आई नीड माई किड्स टू स्लीप सिंस दे हैव स्कूल टुमोरो. सो आई विल मेक देम स्लीप और उसके बाद आपके जो भी डाउट्स होंगे ऐप पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, आई विल ट्राई टू आंसर दोज टुनाइट. और अदरवाइज मैं सुबह 7:30 तो आई रही हूँ, ठीक है. सो सेंड मी ओवर देयर. हाँ सब अपने मन को शांत करो, पैनिक मत करो, आपको सब कुछ आता है. डोंट पैनिक, अपने आप को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब मत करो. यू नो एवरीथिंग, आपने अच्छे से पढ़ा है और आप अच्छे से करोगे भी. सो डोंट 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 पैनिक एट ऑल. यू आर गोइंग टू डू वेरी वेल, ठीक है. सो बिलीव इन योर सेल्फ, ऑल द वेरी बेस्ट. आई विल बी कमिंग टुमारो मॉर्निंग लाइव. उससे पहले आपके जो भी डाउट्स हैं मैं उसको रिप्लाई कर दूंगी. कोड का लॉजिक वाला पार्ट थोड़ा रॉन्ग हो, हाँ तो उसके बाकी के मार्क्स में. So that's what I have told, कि बाकी का पार्ट अच्छे से लिखो, you will be getting marks for whatever you write. ठीक है पीयूष, वो दोनों थर्ड और फोर्थ वाले आउटपुट क्वेश्चंस तुहीन को एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देना. जस्ट एक्सप्लेन वंस एंड तुहीन विल टेल मी वेदर यू हैव एक्सप्लेन प्रॉपरली और नॉट, ठीक है. सी यू ऑन व्हाट्सएप प्रणव. चलो.
बाय एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट, और अच्छे से सोना, क्योंकि पेपर से पहले एक अच्छी नींद भी बहुत जरूरी है। सोना भी आपने, इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए टेक अ गुड नाइट स्लीप एंड आई सी यू इन द मॉर्निंग विथ फ्रेश फेसेस विदाउट पैनिकिंग। पैनिक नहीं करना, ठीक है? अच्छे से होगा सब कुछ। गुड नाइट।